गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं वन्ना। तो गाइस, आज मैं फिर से आप सबके लिए यहां पर ग्लिसरीन का एक बहुत ही अमेजिंग मिक्सचर और आप बोलो एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, जिससे आप फ्लॉलेस, रेडियंट, ग्लोइंग और ब्राइट स्किन पा सकते हो। आप सोचेंगे कि दीदी हमें तो ग्लिसरीन सूट नहीं करता है, बट गाइस आप आपकी एवरीडे लाइफ में पूरे दिन में से दो या तीन बार ग्लिसरीन किसी ना किसी तरीके से तो लगा ही लेते हो। जैसे मैंने आपको मेरे कई वीडियो में बताया है कि ग्लिसरीन साबुन में होता है, फेस वॉश में होता है, क्रीम में होता है, मॉइस्चराइजर में होता है, तो आप इस तरीके से ग्लिसरीन अप्लाई कर सकते हो। बट क्या आपने कभी ग्लिसरीन का एक ऐसा मिक्सचर आपके चेहरे के ऊपर लगाया है जिससे आप आपकी स्किन को ब्राइट कर सकते हो, बेदाग कर सकते हो, फ्लॉलेस कर सकते हो? और इससे पहले भी मैंने दो ग्लिसरीन के वीडियोस बनाए थे, उसमें मैंने अलग अलग तरीके के आपको DIY बताए थे, वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ट्राई करूँगी कि आपको उसकी लिंक मिल जाए। तो आज मैं आपको यहाँ पर सिंपल बहुत ही अमेजिंग एक सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, जिसकी सारी चीज़ें आपको घर पर इजीली मिल जाएगी। तो आप ये वीडियो देखते वक्त भी बना सकते हो। और इसकी अच्छी बात ये है कि आपको इसे एक ही बार बनाना है और आप इसको आराम से 5 से 6 बार यूज़ कर सकते हो, है ना, बहुत ही अमेजिंग बात। क्योंकि बार बार कहीं ऐसे रेमेडी होती है ना, तो बनाने में आलस भी आती है, और एक बार अगर आप बना लो ना ये रेमेडी या तो ये सॉल्यूशन, तो आप इसे 5 या 6 बार यूज़ कर सकते हो। तो आपके लिए भी टाइम इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं होगा, साथ ही साथ आपको इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्किन भी मिल जाएगी। तो चलिए देर किस बात की, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो मेक श्योर कि चैनल को लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर मेरी ID मेंशन कर दी है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन बनाया है ग्लिसरीन का, उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए यहाँ पर ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की क्वांटिटी मेन है, वो आपको कितनी डालनी है वो ही ध्यान रखना है। 1/4 टेबल स्पून जितना ही ग्लिसरीन हमारे फेस के लिए या तो ये सॉल्यूशन के लिए इनफ हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा आप मत डालिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना रोज़ वाटर मिलाना है, क्योंकि रोज़ वाटर मिलाने से ग्लिसरीन की जो चिपचिपापन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर करीब 1/2 टेबल स्पून जितना लेमन जूस ऐड करना है। अब जिनको लेमन जूस सूट नहीं करता है वो यहाँ पर टमाटो जूस भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून जितना रेडीमेड एलोवेरा जेल। चाहो तो आप प्लांट का फ्रेश भी इसमें ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी कि आपको कौन सा यूज़ करना है। और इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। और लास्ट में हमें यहाँ पर ऐड करनी है 1 विटामिन E कैप्सूल को। विटामिन ई कैप्सूल आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो, और है तो आप मिक्स कर दीजिए। और सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करके आपका यहाँ पर एक ग्लिसरीन का यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, मिक्सर है, मैजिकल मिक्सर, वो रेडी हो गया है। आप ये मिक्सर को फ्रीज में या तो रूम टेम्परेचर में बाहर 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी का एक मिक्सर, एक क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी का, सीरम जैसी कंसिस्टेंसी का यहाँ पर ग्लिसरीन का सॉल्यूशन रेडी हो चुका है। इसकी खास बात जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार इसको बनाना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज तो सर्दियों में हमें एक बार भी कोई DIY बनाना होता है तो आलस बहुत ज़्यादा आती है। वैसे तो ठंडी अभी कम हो गई है, फिर भी अगर जिनको आलस आती है या तो जिनको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, बार बार आपको कोई DIY बनाने का इतना टाइम नहीं है, तो आप ये सॉल्यूशन एक बार बना लीजिए, 5 से 6 बार इसको आराम से लगा सकते हो। ये आपकी स्किन के ऊपर एक सीरम के जैसे काम करेगा, एक नाइट क्रीम के जैसे काम करेगा, आपकी स्किन को 100% फ्लॉलेस, रेडियंट, ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा। और अगर आपको फिर भी ये नहीं बनाना है, ये सॉल्यूशन नहीं बनाना है, तो जिनको रेडीमेड क्रीम चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी प्लीज़ अच्छी वाली कोई क्रीम बता दीजिए, तो मेरे पास यहाँ पर 2 गुड वाइब्स की क्रीमें, एक तो है यहाँ पर गुड वाइब्स की सेफ्रन नरिशिंग डे क्रीम जो पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, और इसमें मिनरल ऑयल भी नहीं है। यह स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेगी, नरिश करने में हेल्प करेगी। अच्छा खासा आपको यहाँ पर बड़ा कंटेनर मिलता है जो कि आराम से 6 से 7 महीने आपको चल जाएगा। तो अगर आपको स्किन को ब्राइट करना है, ग्लोइंग करना है, या तो स्किन को नरिश करना है विंटर में, तो आप ये क्रीम परचेज कर सकते हो। या तो अगर आपको स्किन को एकदम ब्राइट करके आपकी स्किन को फ्लॉलेस दिखाना है, तो दूसरी मेरे पास यहाँ पर कोकोनट क्रीम है, ये भी पैराबिन क्रुएल्टी मिनरल ऑयल फ्री है, तो ये भी अच्छा खासा आपको यहाँ पर कंटेनर मिलेगा आराम से
6 से 7 महीना तक चल जाएगा। तो अगर आपको DIY बनाने का झंझट करने का टाइम नहीं है तो आप ये दो क्रीम परचेज कर सकते हो। दोनों की सेपरेट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो चलिए अब जल्दी से जल्दी ये मैजिकल ग्लिसरीन का सॉल्यूशन फेस के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। साथ ही साथ बेनिफिट्स तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि कोई भी DIY अगर आप यूज करते हो ना तो सबसे पहले आपको उसके बेनिफिट्स जानने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये मैंने आपको बताया कि एक क्रीम के जैसे एक सीरम के जैसे काम करेगा। चाहो तो आप आपकी फिंगर टिप्स की हेल्प से या तो आप कॉटन ले लीजिए, कॉटन को सीरम में डिप करके फेस के ऊपर डिप मोशन में लगाइए। डिप मोशन में लगाने से हमारे पोर्स के अंदर ये सीरम ये सॉल्यूशन जाएगा और हमारी स्किन के ऊपर इंस्टेंट वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सर्दियों में जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर हम सबकी स्किन ना कितना भी मॉइस्चराइजर कितना भी क्रीम लगा लो ना फिर भी ड्राई सूखी सूखी बेजान हो जाती है। जब स्किन ड्राई हो जाती है तो ग्लो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसी तरीके से ग्लिसरीन आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में, आपकी स्किन को फ्लॉलेस, आपकी स्किन को एकदम स्मूथ दिखाने में हेल्प करेगा। रोज़ वाटर स्किन का pH लेवल मेंटेन करेगा। एलोवेरा आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में, नरिश करने में हेल्प करेगा। लेमन जूस आपकी स्किन को ब्लीच करने में, आपकी स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे उसको लाइटन करने में हेल्प करेगा। ओवरऑल आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। पूरे चेहरे के ऊपर लगाने के बाद फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छी तरीके से आप मसाज कीजिए। मसाजिंग हमारी फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मसाज करने के बाद आप इसे 4 से 5 मिनट्स तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप चाहो तो फेस को धो सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फेस को हल्के गुनगुने पानी से धो लिया है, क्योंकि ग्लिसरीन की जो मैंने आपको बताया कि ग्लिसरीन थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो अगर आप हल्के गुनगुने पानी से धोगे ना तो इंस्टेंटली सारा चिपचिपापन निकल जाएगा और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगी। स्किन आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरिश दिखेगी। तो आप इसे डेली नाइट में लगा सकते हो, चाहो तो आप यू नो अल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़ के एक दिन बाद भी फेस के ऊपर लगा सकते हो। फेस के ऊपर आप रिजल्ट देख सकते हो कितना अमेजिंग रिजल्ट मिला है। ग्लिसरीन ना काफ़ी सारे लोगों को सूट इसलिए नहीं करता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि डायरेक्टली ग्लिसरीन फेस के ऊपर लगा लेते हैं। बट ग्लिसरीन की जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, ऑयली होती है, चिपचिपी होती है, जैसे कि विटामिन ई। मैंने विटामिन ई में जैसे आपको बताया था कि विटामिन ई की थोड़ी सी ही उसकी क्वांटिटी इनफ हो जाती है चेहरे के ऊपर, तो उसी तरीके से ग्लिसरीन की क्वांटिटी भी थोड़ी सी ही हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ग्लिसरीन काफ़ी चिपचिपा होता है। अगर वो आपके फेस के ऊपर आप डायरेक्टली सिंगल आपके फेस के ऊपर लगा लोगे ना तो यू नो आपके फेस के ऊपर वो लगाने के बाद धूल मिट्टी पॉल्यूशन ऐसी कई सारी इम्प्यूरिटीज चिपकेगी और फिर उसके बाद आपको पिंपल एक्ने ऐसी कई सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि दीदी आपने बताया नहीं कि ग्लिसरीन लगाने से पिंपल होते, बट आपको ध्यान ये रखना है कि ग्लिसरीन आप यू नो रोज़ वाटर में मिलाकर, एलोवेरा में मिलाकर, लेमन जूस में मिलाकर, इस तरीके से कोई भी दूसरे इंग्रेडिएंट में मिलाकर आप अगर चेहरे के ऊपर लगाओगे तो डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जो सॉल्यूशन बताया है ना ग्लिसरीन का, एक तो बनाने में सिंपल है, साथ ही साथ आपका यहाँ पर काफ़ी टाइम बच जाता है क्योंकि बार बार आपको इसे बनाना नहीं पड़ता है। आई थिंक 100% चीज़ें आपको आपके घर पर मिल जाएगी, तो आपको एक भी रुपया बाहर से नो मार्केट से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत भी नहीं है और इफ़ेक्टिव भी है 100%। तो डेफिनेटली ट्राई करना, कोई भी स्किन टाइप वाले हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद मुझे नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिला। ऐसे ही इंटरेस्टिंग DIY वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना टोटली फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल में बहुत सारे आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। टिल देन बाय गाइज, लव यू ऑल।